तो INC24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें। उज्जैन शिप्रा नदी में दो होनहार युवकों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल सागर निवासी रिश्ते में मामा भांजे कुलदीप और दिग्विजय सिंह दोनों भोपाल से इंदौर जा रहे थे। इस बीच अल सुबह दर्शन करने का मन बन गया और शिप्रा नदी में नहाने चले गए, जहां गहरे पानी में जाने से दोनों की डूबने से मौत हो गई। जी हाँ, सागर निवासी दिग्विजय सिंह और कुलदीप पहले भोपाल और अब इंदौर में रहकर PSC की तैयारी कर रहे थे। दोनों ही पढ़ने में होशियार थे और कुलदीप की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। बीती रात भोपाल से इंदौर जा रहे मामे भांजे कुलदीप और दिव्य सिंह उज्जैन रेलवे स्टेशन पर महाकाल दर्शन के लिए पहुंच गए, लेकिन भस्म आरती के दौरान दर्शन नहीं हो पाए तो दोनों का मन शिप्रा नदी में नहाने का हो गया। उसके बाद दोनों ही शिप्रा नदी पहुंच गए स्नान के लिए। दोनों का संतुलन बिगड़ने से गहरे पानी में चले गए और डूब गए। दोनों शिप्रा नदी के दत्त अखाड़े पर पहुंचे। सुबह 8 बजे के करीब दोनों के शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों के परिवारजनों को सूचना दी। इधर दोनों का शव उज्जैन के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये खबर आई, संपर्क के व्यक्ति हैं, तो उनके परिवार से फोन आया था सुबह 6:30 बजे। उन्होंने बताया कि कोई घटना ऐसी हुई है, तो मैंने जाके नदी पे पता किया, तो वहाँ से पता चला, थाने गया, वहाँ से पता चला कि नदी में डूब कर ये दोनों नहाते समय मृत्यु हो गई। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।